सोनू भाई, इस बार जुझारपुर रेस की प्रतियोगिता 27 जनवरी आपकी रेस होती है, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस रेस की शुरुआत कब और कैसे की गई? 2015 में इस रेस की शुरुआत की गई। क्या ये कोई खास जैसे कोई तारीख या आपके शौक वश ये रेस तैयार की गई? किस प्रकार? अपने शौक से। आपके पास एक अबलख शानदार घोड़ा भी हम देख रहे हैं, कितने उम्र का ये घोड़ा है? 5 साल। कहाँ से इस घोड़े को लाए थे आप? सुल्तानपुर से। तो कितना ये कौन सा वर्ष है जिस मतलब ये 2020 में इस बार रेस करा रहे हैं, तो ये चौथा वर्ष है? पांचवा वर्ष है। क्या क्या प्रतियोगिताओं में इनाम के तौर पे आप पुरस्कृत करते हैं जो लोग यहाँ से विजेता बनकर उभरते हैं? प्रथम को LCD TV है और सेकेंड को कूलर, थर्ड को पंखा। इस बार हमें लग रहा है कि प्राइज में भी आपने बदलाव किया हुआ है। और कहाँ कहाँ से इस बार आपकी रेस में घोड़े जुटे हुए हैं? बिहार से, देवरिया से, आजमगढ़, मऊ, मतलब यूपी के कई जिलों से और बिहार के भी कई जिलों से काफी दूर दूर से घोड़े इस बार पहुंचे हुए हैं। तो लगभग कितने घोड़े इस बार प्रतिभागी बन रहे हैं? 20 घोड़े। तब तो एक अच्छा दंगल देखने को आज मिलेगा। लगभग कई ग्रुपों में आप 20 घोड़ों को रखेंगे? 4 ग्रुप में। तो हर ग्रुप से कितने कितने घोड़े आप निकाल रहे हैं? दो घोड़े, फर्स्ट और सेकंड। इस बार कोई प्रतियोगिता, कितने चक्कर की फाइनल की रेस इस बार आप कराएंगे? 5 चक्कर की। तो इस बार कोई नियम या कुछ शर्तें जो रेफरी को ज्यादा ध्यान देना रहे रेस के टाइम? हमारे रेस में तिकड़ी सरपट जो घोड़ा चलेगा उसको फाउल कर दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए यही होना चाहिए। और ये इस घोड़े का हमने बात किया तो लगभग ये क्या कैसी चाल में दौड़ता है ये घोड़ा? चौताले चाल में दौड़ता है। क्या आप खुद घुड़सवारी करते हैं? करते हैं। ये घोड़ा भी प्रतिभागी बनेगा रेस के लिए? चलिए फिर आपकी कुछ घुड़सवारी की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। अभी कौन घुड़सवार है इस पे? हीरा यादव। अच्छा, हीरा भाई सवारी करेंगे। चलिए इस घोड़े को भी हम दिखाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।